जब अब भाई भाई सारे भैया ने तो भाई एक टॉपिक है बाप भाई दया तय अक मेहनत कितनी मारनी चाहिए यो टॉपिक है। यो इस टॉपिक के ऊपर आज या जो अपनी वीडियो है सिर्फ अपने विचार डिस्कस करे जाएंगे सारे भैया आगे अक मेहनत कितनी मारनी चाहिए ये बता दे मेरे वो पहली बात तो यह है अक मेहनत कितनी मारनी चाहिए मेरे वो मेहनत जितनी मारा ना उतनी है थोड़ी वो है सब तो दिमाग में सब तो पहला यह बात तो बिठा दी अपना मैं अगर मेहनत जितनी मारेगा वह थोड़ी है वो है जितनी मारेगा ना मेहनत उतनी थोड़ी है जितनी मारी जाना मार मेरे भाई मार ये मेहनत के है मेरे भाई लेवल अतन मेहनत मार के करना है एक तो भाई हो भाई जिसने मेहनत मारेगा अपना शरीर फिट रखना है एक भाई हो जिसने भाई मेहनत मारेगा भाई नाम करना है एक भाई सा हो भाई जिसने मेहनत मारेगा भाई ओलंपिक में मेडल लेना है ओलंपिक में भी कई मेडल हो हैं एक ब्रॉन्ज हो है एक सिल्वर हो है एक गोल्ड हो है तीनों मेडल की मेहनत भी अलग अलग हो है ठीक है गोल्ड ती जब पहुँचना है तो मेरे भाई गोल्ड है कि जो मेहनत मारनी पड़ेगी सिल्वर ब्रॉन्ज की अलग मेहनत हो है तो इसके ऊपर ये टॉपिक है भाई कति जो अपना एज वाइज वीडियो में जो अपनी नॉलेज हवा दी जाएगी एज ग्रुप वाइज अग मतलब कि भाई एज तो कितनी तय परफेक्ट एज तो कौन सी थी बालक ने चलना चाहिए ये भाई मेहनत में एक सबसे पहली बात है अग भाई जिस भी भाई ने मतलब कि चाहे कोई भाई हो चाहे कोई बहन हो चाहे कोई भी हो जिसने भी अपना शरीर फिट रखना है तो उस खातर मेहनत नहीं है कोई ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती पर डे सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे लग मेहनत कर ले भाई मामला चौपट है भाई सारी जिंदगी भाई तू ना कदे बाप भाई देते देख बीमार भी मूर्त के रखुण हो जाए पर और लोग ही बजाए तू कम होगा अपना सबसे पहला फोकस तो जिसने भी मेरे भाई अपना यो शरीर है ना जिसने यो मालिक ने दिया है जिसने यो संभाल कर रखना है जिसने यो अपना हष्ट पुष्ट रखना है जिसने नू चाहिए एक भाई मेरा तो 200 रुपये वाली टी शर्ट भी 20,000 वाली तो 70 लग गए तो भाई उस भाई ने 40-50 मिनट तो मेहनत करनी पड़ेगी यार एक भाई पैर रैप दो 20,000 वाली टी शर्ट पेट पैट नू है शरीर का ढांचा बिगड़ा पड़ा है अरे एक भाई 200 रुपये वाली टी शर्ट पैर रहा जरूर मेरे जो भाई यो घना घना 300-350 का होगा तो मेरे भाई 17 लगेगा जगह 17 होगा तो लत्ता उसके ऊपर आप 17 लग जाएगा ये जो मेहनत है भाई उसमें सबसे पहला एज ग्रुप मतलब कि 5 साल से 10 साल के लड़का हो चाहे लड़की हो इनने कितनी मेहनत मारनी चाहिए जो भी माँ बाप हो चाहे कोई भी हो समझदार हो 5 साल से 10 साल के बीच के अपने बालक ने 5 घंटे की 4 घंटे की 3 घंटे की मेहनत पर ले रहा है तो उन्होंने मान लियो ख़त्म होने लग रहा है वो आज वो इतनी मेहनत करने लग रहा है उसका वो कोई वो नहीं है वो कर देगा वो 5 घंटे तो ऊपर भी कर देगा 10 साल का बालक 6 घंटे भी कर देगा वो पर उसने नहीं भाई इतनी समझ जाको ना अगर मेहनत क्या होगा मेरी बॉडी में क्या होगा थकावट होगी क्या होगा उस बालक ने इतनी समझ नहीं होती तो तुमने इस बात की समझ है 5 से जो 10 साल के बीच में जो अपने बालका का जबरदस्ती थोकन लाग रहे हैं मेहनत पर ओली सोली कितना कितना मरवाने लाग रहे हैं तुमने बता दूँ मेरे भाई जय थारा लड़का 5 से 10 साल के बीच में चाहे लड़की है तो अपने लड़के ने सिर्फ इस चीज़ के अंदर डालना सिखाना है ठीक है मतलब लंगोटी बांधनी सिखा दी डालना सिखा दिया जॉगिंग सिखा दी 2-4 PT-PT सिखा दी सपाटे मारने सिखा दिए बस इतना सिखाना बस उस बालक तो जितना 5 साल का है ना तो उसते 25 मिनट 26 मिनट 30 मिनट बस इतनी मेहनत काफ़ी है 5 से 10 साल के बालक ने बहुत है मेरे भाई इतनी मेहनत क्योंकि वो दूँ तन मनरी मेहनत मारी जाओ वो हंडी जाओ रेन प्रेन खेली जाओ है वो उसकी मेहनत है तो इस एज ग्रुप के बालक जब भाई सारे ध्यान रखे कदे फोर्सली मेहनत नहीं मारनी सिर्फ इतनी मेहनत मारनी है 25 से 50 मिनट के बीच में बस ये एज ग्रुप आता भाई 10 से 15 साल के बीच का यो जो एज ग्रुप है ना भाई यो एज ग्रुप बहुत ज़बरदस्त एज ग्रुप है जिस भी बालक ने मतलब अपना आड़े यो एज जो 10 से 15 के बीच में नहीं है आड़े नहीं हर चीज़ का है ना नू बेरा पाट्या रहा सारे सब ने अरे एक बालक ने नू बेरा पाट्या रहा मेरे में किस
टैलेंट खातर मेहनत करना चाहूँ मैं, मेहनत है भाई, मेहनत फिजिकल भी मेहनत तो है, फिजिकली मेहनत करना, किताब पढ़ना वही मेहनत करना मेरे भाई, मैकेनिक बनना वह भी एक मेहनत है, सब सारी मेहनत है, ठीक है। तो अपार जो बात करेंगे वह बात करेंगे अपार फिजिकली मेहनत की, जितने भी भाई नहीं है ध्यान रख लियो, जो 14-15 जो मेहनत नहीं है या इसी मेहनत है आड़ थारी नीम टक ही जो कह नहीं रहा भाई, बिल्डिंग बनानी भाई 50 मंजिली, तो उस 50 मंजिली बिल्डिंग ने बनाने खातर पहला नीम दबेगी ना, नीम खोदेगी, तो यह उम्र थारी मेरे भाई नीम ने मजबूत बनाने की, और नीम जब मजबूत बना रहा तुम देख लो कि ऊपर मजबूत बना रहा, कितने उसके मन उधर मच बट्टाए पट बट्टाए पट मारे जा रहा है जब वह नीम मजबूत बना रहा है। तो इस उम्र में जित बालक तो जितना भी ओला सोला खाया जा, ओला सोला पसीना बाया जा, बा दियो मेरे भाई, कोई लिमिट नहीं है आड़े समय की, कितनी मारनी कितनी ना मारनी, बेसाबर बेसुमार मार दियो, जब वह थारी नीम मजबूत होंगी, ठीक है। तो जो 10-15 के बीच वाले भाई हैं वे ध्यान रख लियो मेरे भाई, छोटे जितना छोटा ना उतना ही खोटा हुआ है, ताड़े तो अपना खूटा ना मजबूत बना लिए लड़ ले, ठीक है, जो बनाया जा तो बना लिए बाबा ही दे, तो आड़े के जो 10-15 बीच में जो करी ना मेहनत 15 तो है, जो अगला सफर है ना उसमें इसका सबसे अहम रोल होना है इस समय का, ठीक है। तो आड़ चूक मत छोड़ दिए, थोड़ी भी सूढ़ का भगा दिए मेहनत ने। इब जो एज ग्रुप है वो आ गया मेरे भाई कौन सा 15-20, जो यो एज ग्रुप है ना इस एज ग्रुप में जो मेहनत नाम देवांगे ना उस मेहनत नाम देवा खाऊ पाड़ मेहनत, कौन सी खाऊ पाड़ मेहनत, जितनी मारी जा जितनी भी जितनी मारेगा ना मेरे भाई उतनी थोड़ी हो है, यो एज ग्रुप इस एज ग्रुप है मतलब 15-20 साल वाला, चाहे तू मेरे भाई जो 20 साल तू ऊपर जा लिए, जो 25 साल तू ऊपर जा लिए, उन दौर बूझ लिए, उन दौर उनकी जवानी का अनुभव बूझ लिए, उन दौर इस उम्र का अनुभव बूझ लिए, जो दाने 15-20 साल के बीच में बनने हैं ना वे दाने सारी जिंदगी में नहीं बने तेरे शरीर में, देख लिए इब के कही है, जो दो दाने 15-20 साल के बीच में इस गात माने हैं ना वे सारी जिंदगी में नहीं आओगे इस गात में, इस बीच में जो बालक ब्रह्मचारी रह गया और खाऊ पाड़ मेहनत मार गया वो बालक काबू में नहीं आओ भाई किससे कभी, मैं लख के दू दो दाने काबू में करना को छोटी बात ना लड़ ले अपने, ठीक है, उन काबू में बैठा कर के तीनू शांति पीरी है। 15-20 का जो सफर है इसमें जुगर जिस भी भाई ने जोन सा भी लेवल पाना होगा ना, जिस बालक ने जोन सा भी लेवल पर जाना होगा ना वो उससे लेवल पर जा सके इस बीच में, क्योंकि 10-15 तक अपनी नींव मजबूत कर दी, 15-20 5 साल हो भाई, 5 साल में कहे ना उसने मुद्दा मार दे मानस, और 5 साल ब्रह्मचारी रह गए, देख ई घर में गिरना गिरना है काटना को ना फिर तेन मान लिए वह पाट देगा सब क्या इन्हें, तो ध्यान रख लिए लड़ ले 15-20 साल जो समय है ना सबते भयंकर सबते खतरनाक सबते कातल और सबते ज्यादा ताकत शरीर में जमा करने वाला समय वो है 15-20-25, ठीक है। इस समय के बीच में जयो काम करा जा तो कर जाइए, कदे पाछे नू सोचे 35 का होगा जान बनाऊंगा भूल जाइए, 35 की उम्र में तो जो 15-20-25 थी बनाई ना जान वह संभाली संभाली रखनी है बाबा ही देख, ये आ गया भाई 20-25 एज ग्रुप, तकरीबन भाई जो 21 साल के हो जाए हैं उनका तेन मान ले नौकरी लागण का सपना भी टूटे जा है, असली नौकरी बनने के तो मेरे भाई 21 साल थी हो, असली नौकरी तो भोज पलस वाली तो बाबा ही देता है, जिन मनुजग्रह की जरूरत हो है, ठीक है, जिन जिन जिग्रह की जरूरत है तुमने वेरा ना फौज 21 साल थी का लेव है ना, 21 साल तो फौज किसी ने ऊपर न ले है क्यों ना लेती, कारण बता बेरा इस बात का कारण है ना बेरा, फौज दौर बूझिए जो फौज में लाग रहे उन दौर बूझिए, जब बेरा पट ही के कारण है कि 21 साल तू ऊपर क्या ना फौज क्यों ना लेती, अकल रख पल रख तो ले लेगी है पर जिड्डी ना ले हुआ है, जिन्हें गोली चलानी है जिन्हें बॉर्डर पर मानस भटकाने हैं उन्हें ना ले उन 21 साल की ले होगी, तो जो 20-25 साल की उम्र है मेरे भाई इस उम्र में जितनी भी
मेहनत के साथ साथ बुद्धि भी काम करना चालू कर दिया रहे। ठीक है, जिस बालक ने 10 साल का मेहनत का अनुभव हो जा रहा है, वो 21 से 25 के बीच में मेहनत करने का शुरू उसने अपने आप पे हो जा रहा है। 10 साल किसी एक चीज में दिए पाछे और उस चीज का फिर उस मानस ने सूर ना हुआ है, वो सूरत ना होगा जो मैं बताऊं ना, वो जो मैंने कर रखा है और जो मैंने झेल रखा है मैं वो ही बताने ला रहा हूँ। मैं किताबा में तो पढ़ के नहीं बताता हूँ, लड़ ले बाबा ही दे आते हैं। ठीक है, तो जो 20 से 25 साल जो लक्ष्य है तेरा, इस लक्ष्य में अपना मेहनत पे और बुद्धि पे फोकस रखना है बाबा ही दे आते हैं। आड़े थी ना जो 25 साल की उम्र हो ना, आड़े थी जो शरीर में जो कि मैं बनना धड़ना जो कि मैं हाइट पाइट बाल बूल जड़ जड़ा कड़ा जामने जूमने सब कुछ हो लिया रे। ठीक है, इस ताक गए ना फिर मानस सहज सहज इपती तो 25 साल थी तो नू है रे, और 25 ताक दे नू सहज सहज नू होता जा रे नू अलका 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 कम होता जागा वो दिखोगे ना, वो 35-40 साल थी ना दिखो, 35-40 साल पाछे एकदम दिख जा रे। ठीक है, तो इस बीच में अपना बढ़िया बुद्धि हो जाए तेरे दौरे, बढ़िया मेहनत का अनुभव हो जाएगा, तो न सारे ज्ञान अपने आप हो जाएंगे, किस लेवल पर जाना, कितना जाना, क्यों करके करना है, किस तरीके से मेहनत में चलना है, इस चीज की बुद्धि तेरे में अपने आप पे आ जाए बाबा ही दया। और तू इस टाइम पे सिर्फ अपनी बुद्धि ने यूज करिए, जो बालक अपना अनुभव तर अपनी बुद्धि ने यूज करेगा वो बालक ऑटोमेटिक, मतलब यो जो समय है यो मेहनत का तो शुरू हो गया, गला बुद्धि का तेज और हो गया, तो इस समय में स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़े रहे। ठीक है, तो वो वर्क करना मेरे भाई बाबा ही दया है, उस वर्क पर चालिए। ईब जो वर्क आ गया, ईब जो एज ग्रुप आ गया है वो आ गया वो 25 से सीधा 50, इस बीच में जितने भी हो न वे सारे न न्यू सोचा रहा मेरे तो बुद्धिमान, मेरे तो बलवान, मेरे तो सियाणा और मेरे तो बड़ी आड़ कोई कौन। ठीक है लड़ ले, तो उन सब ने अपने आप पवे ज्ञान के भरपूर मात्रा में भरे हो है, उनने ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, जो उन तक ज्ञान देगा वो अपने आप ने मूर्ख कवा हुआ भाई, मेरा तो मानना ही हो है, क्योंकि भाई उनने खुद दे इतना ज्ञान हो है बाबा ही दया है। तो भाई जो 25 से 50 साल है उन भाइया ने बता दूं गणे तेन सोचा रहा 25 साल के 30 साल के होए पाछे ओहो ईब जाग गया हूं मैं, पर मेरे भाई जागना तो 10 साल की उम्र में था, 10-11 साल की उम्र में जब तेने बनना था, ईब तू बेशक जागे जा, बेशक उठे जा, बेशक बाजे जा, पर मेरे भाई वह बात ना आवे जो तेरे मानी थी। ठीक है, वह तेरा समय गया तईब तू अपने आप ने बस स्वस्थ राख सका है, अपने आप नू सोच कर राजी राख सका है, मेरे तो बुद्धिमान और बलवान है कोई नहीं, नू सोच कर अपने आप ने राजी राख और काचे काट हल्का फलका अपना पसीना बाई जा और खाई जा, और मेरे भाई इतने मालिक ने सांस दे रखी है इतने कतिगच काचे काटी जा अपने हल्का फलका पसीना बाई जा बैस, इब तू बाकी से नू सोचता हो मैं फलाना ही रिकॉर्ड तोड़ूंगा नू तोड़ूंगा, तब रिकॉर्ड तोड़नी है तेना दादा 10 साल की उम्र तक लागे पाऊंगे वे तोड़ेंगे रिकॉर्डा ने, जो नू सोचा मैं 30 साल का 35 साल का होकर रिकॉर्ड तोड़न जाऊंगा तो भाई अगले जन्म माइए अटकाइए जब रिकॉर्ड टूटेंगे, हाँ छोटे मोटे तो तोड़ देगा तू, पर जो असली खली प्याले न जिनने तोड़े तो जगत जानेगा वे ना तोड़ पाओ लड़ ले। ठीक है, जिनने काम घुमांड जान पाओगा वे तो तोड़ देगा, पर जो खली प्याले है ना वे तो मेरे भाई नादान बालक कर जवान न बालक तोड़ेगा उनने थे। तो ये थे भाई मेहनत के नुस्खे, तो सारे भाइया तो विनती आए है जो भी मेहनत है जो भी फिजिकल शरीर की मेहनत है वह तले तय शुरुआत हो रहा है नीचे तय, जिस बालक का नीचे तय रोग लग गया ना मेहनत का रोग 10 साल का 7 साल का 8 साल का गए वो बालक मारेगा सबने वो बालक बनेगा, क्योंकि मेरे भाई मेहनत का फल नहीं है चंद दिन में ना मिल जा रहा है, 1 साल में 2 साल में ना मिल जा रहा है, 1 साल में 2 साल तक मेहनत करने सुर सुर बेरा पाड़न में लाग जा रहा है, जो स्कूल में नहीं जावे काफी में लिखना भी 1-2 साल में आवे है, तो न्यू ये मेहनत पर चलना हर मेहनत के स्टेप बाय स्टेप करना यो भी 1-2 साल लाग जाए इस चीज़ का भी अनुभव लेने देने में बालक ने। ठीक है, वह मेहनत तो है
तो जो बालक वो अपना छोटी उम्र ते ले रहा होगा वो बालक ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा, ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, हर सप्ताह आगे लकड़ जाएगा। तो वीडियो ने समाप्त करा, कितनी के मेहनत मानी चाहिए तो उन भाइयों ने बता दूंगा, जितनी मारोगे उतनी थोड़ी है। छक्कर गड़ैरो बाबा ही दया।